Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. साल 2024 में IPO मार्केट में बहार आई हुई है. ऐसा शायद ही कोई हफ्ता गया है जिसमें कोई IPO लॉन्च ना हुआ. जून बीत चुका है और जुलाई की आज पहली तारीख है. इस हफ्ते भी आप निवेश की तैयारी कर लीजिए. इस हफ्ते आपको 3 IPO में पैसा लगाने का मौका मिलने वाला है. नए कारोबारी हफ्ते में 2 IPO मेनबोर्ड सेगमेंट के और 1 SME सेगमेंट का खुलने जा रहा है. एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स, बंसल वायर और अंबे लैबोरेटरीज, ये 3 कंपनियां पब्लिक इशू के जरिए 2700 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने की कोशिश करेंगी. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक. मैं हूँ आपके साथ अरिणिमा द्विवेदी. चलिए एक एक करके आपको सभी IPOs के बारे में जानकारी दे देते हैं. पहले बात करते हैं एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स की. इस कंपनी के IPO की खूब चर्चा है. शार्क टैंक में बतौर जज नजर आने वाली नमिता थापर की कंपनी एमक्यू फार्मा का IPO 3 जुलाई को खुलेगा. निवेशक इसमें 5 जुलाई तक बोली लगा सकते हैं. ये इशू 1952.03 करोड़ रुपए का है, जो भारतीय हेक्साकॉम के 4275 करोड़ रुपए, आधार हाउसिंग के 3000 करोड़ रुपए और गो डिजिट के 2614 करोड़ रुपए के बाद 2024 का चौथा सबसे बड़ा IPO होने वाला है. शेयरों का अलॉटमेंट 8 जुलाई को होगा. लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी. एक लॉट में 14 शेयर है. इशू का प्राइस बैंड 960 रुपए से 1008 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है. IPO में निवेश करने के लिए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम आपको 14,112 रुपए लगाने होंगे. कंपनी IPO से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए करेगी. इस IPO के माध्यम से कंपनी 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी और प्रमोटर और मौजूदा निवेशक 1,14,00,000 शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के तहत करेंगे. दूसरा IPO है बंसल वायर का. ये IPO भी 3 जुलाई को खुलने वाला है और 5 जुलाई तक ही इसमें भी आप बोली लगा सकेंगे. कंपनी इस इशू के जरिए 445 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. इशू का 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा यानी आरक्षित कर दिया जाएगा. कंपनी के इशू के लिए प्राइस बैंड 243 रुपए से 256 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है. निवेशक कम से कम 58 शेयरों के लिए अपनी बोली लगा सकते हैं. ये पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए और 15% हिस्सा गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा. कंपनी इशू से मिले धन का उपयोग अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी. बंसल वायर भारत में सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील वायर निर्माण कंपनी है और मात्रा के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी स्टील वायर निर्माण कंपनी है. सितंबर 2023 में 6 महीनों का कुल रेवेन्यू इस कंपनी का 1,154 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रॉफिट 38.9 करोड़ रुपए रहा है. अब आते हैं अंबे लैबोरेटरीज के IPO पर. ये तीसरा IPO है जो इस हफ्ते खुलने वाला है. SME सेगमेंट का ये IPO 4 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 8 जुलाई को बंद हो जाएगा. कंपनी इस इशू के माध्यम से 45 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी. इशू में 62.5 लाख रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 3,12,000 शेयरों का ऑफर फॉर सेल यानी OFS होगा. IPO के लिए इशू प्राइस 65 रुपए से 68 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है. निवेशक कम से कम 2,000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. ये कंपनी फसल की सुरक्षा के लिए एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और 4 दशक से एग्रोकेमिकल सेक्टर में सर्विस दे रही है. कंपनी 2 और 4D बेस्ड केमिकल बनाती है और सप्लाई करती है. 31 जनवरी 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का रेवेन्यू 100,43,00,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,07,00,000 रुपए रहा है. इन 3 IPOs के अलावा इस हफ्ते बाजार में 11 कंपनियां डेब्यू करने वाली है. मेन बोर्ड सेगमेंट में ब्रज आयरन एंड स्टील 3 जुलाई को, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स 2 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार है. वहीं SME सेगमेंट में नेफ्रो केयर इंडिया, डीएनस्टेन टेक, पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स, डिवाइन पावर एनर्जी, अकीको ग्लोबल सर्विसेज, विसामन ग्लोबल सेल्स, मेसन इंफ्राटेक, सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया, शिवालिक पावर कंट्रोल समेत 9 लिस्टिंग्स होनी है. तो निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी एक्साइटिंग रहने वाला है, लेकिन जरूरी यह है कि निवेश सोच समझ कर करें और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि यह खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तर.